करेरा नगर वैसे तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। यहाँ मुस्लिम समाज करेरा में बगीचा वाले हनुमान मंदिर के प्रति आस्था और श्रद्धा रखते हैं। आज हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। नगर के सभी मंदिरों में सुबह से ही हनुमान जी का श्रृंगार कर सुंदरकांड पाठ के आयोजन किए गए। शाम 5 बजे काली माता मंदिर से चल समारोह निकाला गया, जिसमें नगर के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चल समारोह नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शिवपुरी रोड, कच्ची गली, तिराहा, बीज भंडार रोड, नया बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, मंशा पूरण, हनुमान मंदिर, पुरानी तहसील, चांद दरवाजा होते हुए बगीचा सरकार मंदिर पर समापन हुआ। चल समारोह का जगह जगह स्वागत किया गया। कच्ची गली तिराहा पर जैन समाज के द्वारा रू अफजा से स्वागत किया। चल समारोह का पुलिस सहायता केंद्र पर मुस्लिम समाज से असलम खान, शैलू खान, मुकेश सोनी मुस्लिम भाइयों ने ठंडा पानी फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक से, तो वहीं नया बस स्टैंड पर इकबाल खान, मुन्ना खान, अजीरा खान, अजमेरी संतोष, सरावगी, मुकेश सेठ, राजू सेठ, नीरज सेठ, विपिन गेड़ा आदि लोगों ने चल समारोह का पेप्सी कोल्ड ड्रिंक से स्वागत कर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। करेरा थाना प्रभारी संतोष चौहान सहित सभी स्टाफ की चल समारोह में चाक चौबंद व्यवस्था रही। इसके साथ ही चाक चौबंद व्यवस्था के बीच समारोह निकाला गया। करेरा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। आज आपने जो है चल समारोह का स्वागत किया, इससे आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या है बताएं? संदेश ये है कि हमारे करेरा में हमेशा एकता हुई है, एकता हमेशा होती रहेगी। आज हमारा न्यूज़ का कार्यक्रम रहा है हनुमान जयंती का, हम सब लोगों को ऐसा लगा ये भी हमारे भाई हैं, हम लोग कभी अलग हमने सोचे ही नहीं ना उन लोगों ने सोचा हमने, हमें हमेशा गणेशियों में माताओं में हम साथ में जुड़े के रहते हैं और हमारे यहाँ ऐसी कोई भावना नहीं। हमारा करेरा बहुत अच्छी तपस्वी भूमि है और हमारी मुस्लिम समाज को ऐसा लगा कि नहीं, हम सब लोगों के लिए एक नया संदेश देना चाहिए और आगामी नई जगहों के लिए भी हम सब लोगों को यही बताएंगे कि आप एक दूसरे में भाईचारा बनाए रखें। जो बगीचा में हनुमान जी का मंदिर है, किले वाले बाबा साहब भी हैं और हमारे तार वाले बाबा साहब भी हैं, हम सब लोगों की ऐसी वो रही है कि आस्थाओं का केंद्र, बस यही बोलूँगा।